मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधवार देर शाम मुरैना के अंबाह स्थित कुथियाना व बेलपुर गांव पहुंचे। यहां बाढ़ प्रभावित लोगों का शिविर लगाया गया था। मुख्यमंत्री शिविर में मौजूद बाढ़ प्रभावितों से मिलने गए थे। जब वे लोगों से रूबरू हो रहे थे, उसी दौरान नेवरीपुरा गांव की एक महिला सीएम के सामने फफक फफक कर रोने लगी। बोली, हर साल बाढ़ आती है और उन्हें घर छोड़कर भागना पड़ता है। उसकी सारी घर गृहस्थी बर्बाद हो गई है। आखिर कब तक इस तरह भागना पड़ेगा, उसे कहीं ऊंचाई पर घर दिला दें। महिला की बात सुनकर सीएम ने उसके सिर पर हाथ रखकर उसे धाड़स बधाया और घर दिलाने का वादा किया। इस मौके पर शिविर ने घेर कुथियाना व बेलपुर सहित आधा दर्जन ग्रामीण मौजूद थे। ग्रामीणों में महिलाएं व बच्चे भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री को शिविर में मौजूद महिला पुरुषों ने बताया कि उन्हें समय पर खाना नहीं मिलता है, उनका राशन पानी सब पानी में डूब गया है, घर में रखा मवेशियों का चारा नष्ट हो गया है, बर्तन पानी में बह गए और कपड़े सड़ गए हैं, उनकी पूरी गृहस्थी बर्बाद हो गई है। ग्रामीणों ने बताया कि उनके गांव में अब हर साल बाढ़ आने लगी है, जिससे उनकी घर गृहस्थी पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। वह साल भर में जितनी गृहस्थी जोड़ पाते हैं वह सब बाढ़ में बर्बाद हो जाती है। महिलाओं ने बताया कि उनको भोजन के लाले हैं, वे पूरी तरह सरकारी सहायता पर निर्भर हैं। अगर सरकार उन्हें ऊंचाई पर मकान देती है तो उन्हें हर साल बाढ़ की समस्याओं से निजात मिल सकती है। रोते नहीं बेटी, इसलिए मैं आया हूँ बात करने। आपसे यही उम्मीद है हम आपकी गैल सही करवा दो, जो इनकी बात मतलब वहाँ से निकल गई है, घर चाहिए।